नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी की वजह से गर्दन में सूजन आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थायराइड में TSH की वृद्धि होने पर न सिर्फ गर्दन में आसपास सूजन होती है बल्कि ये शरीर के कई हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। खास तौर पर ये समस्या शुरुआती अवस्था में काफी देखने को मिलती है। शरीर में TSH का स्तर बढ़ने के कारण जांग, हथेली, आंखों और तलवों में सूजन होती है। सुबह के समय ये समस्या काफी ज्यादा प्रभावित करती है। इस समस्या को कम करने के लिए नियमित रूप से थायराइड की दवा लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही आप इसे कम करने के लिए कुछ उपायों का भी सहारा ले सकते हैं। थायराइड में सूजन या शरीर फूलने लगता है, इस समस्या को कम करने के लिए घरेलू उपाय ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि थायराइड की दवा को कभी भी मिस ना करें, इससे आपका TSH प्रभावित होता है। वही नियमित रूप से TSH की जांच कराते रहें। इसके अलावा सूजन को कम करने के लिए आप कुछ असरदार घरेलू उपायों का सहारा ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी और सेंधा नमक। थायराइड में सूजन की परेशानी होने पर गर्म पानी से सिकाई करना काफी प्रभावी हो सकता है। इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी लें, जिसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालें। अब इस टब में कुछ समय के लिए बैठ जाएं। इसमें आपको सूजन से कुछ समय के लिए आराम मिलेगा। गर्म पानी पिएं। सुबह उठने के बाद गर्म पानी जरूर पिएं। नियमित रूप से गर्म पानी पीने से शरीर की सूजन कम होती है। खास तौर पर गले की सूजन और जोभन से बहुत ही आराम मिल सकता है। गर्म तेल से मालिश करें। जांग और हथेली के आसपास सूजन होने पर गर्म तेल से मालिश करें, इससे आपको सूजन में काफी आराम मिल सकता है। मालिश करने के लिए आप सरसों तेल, नारियल तेल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का लेप। शरीर की सूजन से राहत पाने के लिए हल्दी का लेप काफी प्रभावी होता है। हल्दी के लेप में मौजूद करक्यूमिन गुण सूजन को कम कर सकता है। इस लेप को लगाने के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर में 1 चम्मच करीब ऑलिव ऑयल डाल लें और इसे हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद इस लेप को अपने प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे सूजन से काफी ज्यादा आराम मिल सकता है। खीरे का रस। थायराइड में कुछ लोगों के आंखों के आसपास सूजन की परेशानी होने लगती है। इस स्थिति में खीरे का रस आपके लिए काफी प्रभावी हो सकता है। इसके लिए खीरे का रस निकालकर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर लें। अब इस लेप को आंखों के आसपास लगाएं। इसमें सूजन कम हो सकती है। थायराइड में सूजन या शरीर फूलने पर कई तरह के घरेलू उपायों का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि अगर आपके शरीर का TSH स्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इसे गंभीरता से रोका जा सके। बहरहाल, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।